बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है एक और फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है अंकुर आनंद, आप देख रहे हैं मेरा फिजिक्स बीस चैनल। दो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं, वीडियो में ध्यान से समझना, शायद आपके काम की हो सकती हैं अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन आया है वो है 31 दिसंबर 2020 का। वो ये कि जितने भी एडमिशन अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए होने वाले हैं वो उसकी लास्ट डेट 31 अगस्त रखी गई है। बहुत सारे बच्चे हैं जो मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं। बहुत सारे हैं जो ग्रेजुएशन करने के लिए कॉलेज में वेट कर रहे हैं। 8th कट ऑफ का इन्फॉर्मेशन जो था मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में दिया था कि 8th कट ऑफ फॉर श्योर से आ रही है, लेकिन 8th कट ऑफ से पहले एक और जो है वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बच्चों के लिए आ गई है, वो है स्पेशल ड्राइव। एक और बार स्पेशल ड्राइव आ गई है, लेकिन इस बार जनरल कैटेगरी जो है के अलावा बाकी सारी कैटेगरीज जो हैं उनके लिए जो है वो नोटिफिकेशन आया है, जो मेरे व्हाट्सएप के ऊपर आया है, टीचर्स के ग्रुप के ऊपर और आई थिंक वेबसाइट के ऊपर भी आ गया है, आप एक बार चेक कर लेना। अब इंपॉर्टेंट इसमें बात यह है कि जो स्पेशल ड्राइव का एडमिशन है वो तो हो रहा है, इसके साथ साथ बच्चों 8th कट ऑफ भी आएगी, डोंट वरी। सो अगर स्पेशल ड्राइव में कौन कौन बच्चे एप्लीकेबल है, एलिजिबल है, वो सुन लो ध्यान से। जनरल कैटेगरी के बच्चों को छोड़ के सभी एलिजिबल हैं। 7th कट ऑफ तक आपने एक बार भी एडमिशन लेके विड्रॉ नहीं किया हुआ होना चाहिए, और मतलब आपने एडमिशन अभी तक आपने एडमिशन में पार्टिसिपेट अगर नहीं किया है तो यस, आप जो है 14th ऑफ डिसंबर को आप लोग आप बच्चे जो है एलिजिबल हो, और सुबह 10 बजे से एडमिशन जो है शुरू हो जाएगा, जो कि 15 यानी कि 2 दिन तक चलेगा, 14 और 15 तारीख के लिए चलेगा। लास्ट डे जो होगा पेमेंट का वो जो है 17 दिसंबर को रखा गया है। इसके बाद में बच्चों आपकी जो है 8th कट ऑफ आएगी डेफिनेटली से। 7th कट ऑफ के बाद में स्पेशल ड्राइव का एडमिशन निकालने का शायद से प्रोसीजन ये था कि बहुत सारी सीटें अभी भी जो है वो अभी मतलब भरी नहीं है, तो शायद से ये चाह रहे हैं कि स्पेशल ड्राइव के थ्रू अच्छे बच्चे जो ऊपर वाले बच्चे हैं, इससे ऊपर वाले बच्चे जितने भी मार्क्स लेने वाले हैं उनको अलाउ किया गया है कि उनको 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 वो ले सकते हैं एडमिशन, और उसके बाद में जो सीटें बचेंगी तो 8th कट ऑफ की जो आई थिंक जो जो बात है वो मैं आपको फिर उसके बाद अपडेट करूंगा, क्योंकि सारी की सारी बात जो है नल एंड वॉइड हो गई। मैं वीडियो बनाने वाला था ये बताने के लिए कि अभी क्या सिनेरियो है सीट्स का कॉलेजेस के अंदर, तो वो सब अब नल एंड वॉइड हो जाता है क्योंकि पहले स्पेशल ड्राइव आएगी, फिर उसमें एडमिशन हो जाएंगे, फिर एडमिशन होने के बाद में फिर सीट्स कम हो जाएंगी, तो फिर वो सारी बात खराब हो जाएगी। अब ये यूनिवर्सिटी ने एकदम से जो है बम फाड़ दिया है देखा जाए तो, मतलब अचानक से जो है मतलब ये स्पेशल ड्राइव का तो किसी को भी मतलब वो नहीं था, मतलब मुझे भी नहीं था, कोई टीचर को नहीं था, एकदम से सीधा नोटिफिकेशन आया कि स्पेशल ड्राइव का एडमिशन। इस बार ना एक्चुअली सब बातें अलग हैं, बहुत डिफरेंट है, हर बार की तरह जो है वो चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, तो मतलब कुछ ऐसी बात है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट अपडेट है स्पोर्ट्स की जो है, अगर आपको मेरिट अभी तक किसी बच्चे को नहीं मिली है तो मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वो जाके जो है स्पोर्ट्स के देख सकता है। ऑल दो मेरे पास में जो लिस्ट है वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से मेरे पास में आई है, तो मे बी शायद आप हो सकता है कि शायद वो लिस्ट जो है देर से आप तक पहुँची हो, या मतलब मैं देर से दे रहा हूँ, लेकिन आई थिंक मैं जो आपको दे रहा हूँ वो फाइनल है, और आप बच्चे जो है उसको एक बार देख लेना स्पोर्ट्स के रिलेटेड। और मैं आपको ना एक नोटिफिकेशन जो है डाल रहा हूँ आपके इसमें स्पोर्ट्स एडमिशन की गाइडलाइंस का, एक नोटिफिकेशन भी मैं उसमें डाल रहा हूँ आपकी वीडियो में, और अगर आपको लगता है कि ये जो गाइडलाइंस पढ़ने के बाद आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर मैं गाइडलाइंस बीच में डालूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बिकॉज ये बहुत लंबा गाइडलाइन है, मुझे भी इसको ठीक से बैठ के अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और डेफिनेटली से अगले वीडियो तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी पॉइंट में तो आप उसको रेज करना, और उसके बाद में पढ़ने के बाद में अगर आपको लगता है कि आपको उसमें जो है पार्टिसिपेट करना है, अगर आपको एडमिशन में और आप उसके लिए एलिजिबल हो तो बात करेंगे उस बारे में, आप कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी उसकी वीडियो में कि फॉर्म में बना के मैं आपको दे दूंगा। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन निकल के बच्चों जो आई है वो ये है कि कल से जो है एग्जाम शुरू हो रहे हैं, ओपन बुक एग्जाम शुरू हो रहा है जिसको बोलते हैं OBE। फर्स्ट ईयर के बच्चे भी इस बात को ध्यान से समझ ले क्योंकि शायद से वो भी एग्जाम देंगे, और ये जो एग्जाम है ये ओपन बुक एग्जाम होने वाला है। इसमें ये कहा गया है कि इसमें आपको पोर्टल के ऊपर ही जो है डालना पड़ेगा, बच्चे अपने घर से ही एग्जाम देंगे, टोटल 5 घंटे मिलेंगे बच्चों को, और जिसमें 3 घंटे बच्चों को एग्जाम करने के लिए है, 1 घंटा पहले पेपर आ जाएगा वो भी काउंट कर रहे हैं, और 1 घंटा बाद में अपलोड करने के लिए दिया जा रहा है वो भी काउंट कर रहे हैं, तो टोटल 5 घंटे का टाइम है बच्चों के पास उसके में उनको अपलोड करना है। और अगर उनका पेपर अपलोड नहीं होता है तो वो ईमेल कर सकते हैं, लेकिन ईमेल करने की कंडीशन में उन बच्चों का पेपर का जो रिजल्ट है वो डिले होगा, क्योंकि जो ईमेल वाले जो पेपर्स हैं उनको बाद में रिव्यू किया जाएगा, तो कुछ ऐसी ही बात है। और मुझे लगता है कि शायद से अभी तक का सारा जो अपडेट है आपको मिल गया है। 8th कट ऑफ बच्चों वेट करो, 8th कट ऑफ के लिए वेट करो, इसका अगला 8th कट ऑफ का एडमिशन होगा। मुझे खुद एक्सपेक्टेड था कि मंडे को जो है हमारी ड्यूटी लगेगी 8th कट ऑफ के लिए, लेकिन हमारी ड्यूटी लग गई स्पेशल ड्राइव के लिए। सो आई थिंक जो भी है जैसा भी है यही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वाले वीडियो में फिर से मिलता हूँ आपसे कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ में, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और आगे के लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।